बालेश्वर जिला लकड़ी पूर्वर एवं वर्तमान अंचलवासी देखी आसी सांसद प्रताप षडंगी कथा जमी कम दुई गुण विभिन्न जिला सहित बालेश्वर जिलार नीलगिरी अंचल सांसद कार्य को नहीं पूरी पूरी प्रशंसा देखा मिली। चलित बर्ष भी सांसद को बालेश्वर बीजेपी एमपी टिकेट पाइला विभिन्न महल रु शुभेच्छा बार्ता आसुवा बेले राष्ट्रीय अभियान प्रमुख जनकल्याण योजना एवं प्रचार प्रसार अभियान प्रमुख राजमणि जी नीलगिरी गोपीनाथपुर स्थित सांसद बासभवन में पहुंची शुभेच्छा जनाई एवं सहित सकाल भोजन कर तत्सहित सांसद पांठि अनुमोदित राशि गढ़ी होता विभिन्न विद्यालय उन्नतिमूलक अनुष्ठान बुली बुली सांसद को प्रशंसा कर देखाई। नीलगिरी धोबशिला अंचल अमृतवाणी गुरुकूल शिक्षा केन्द्र को सांसद पांठि दि जा स्मार्ट क्लास जहाँकि छात्र छात्री उद्दिष्ट एवं अन्य समस्त सहयोग परिदर्शन कर गुरुकूल छात्र छात्री मान सहित किसी समय बीत खाली सेमती देना आपण मानक आत्मनिर्भरशील करने आपण मानक आम मागिचु मैडम को जे खाली एटा तो कले आम चली पार्वानी आहरी भी आपण मानक गोटे ट्रेनिंग व्यवस्था रखीचु सफाई घास जो तैयारी होनी मार्केट रे बिक्री होती शिक्षा केन्द्र प्रधान गुरुमा मना राणी पालित एवं कर्मचारी आतिथ्य ग्रहण करने सहित किसी समय वार्तालाप करते यहाँ 150 महिला को आत्मनिर्भरशील करा अंबिका एसएचजी ग्रुप को सांसद पांठि दि जा 50 टी सिलाई मशीन को देखा सहित कार्यरत महिला मान कथबार्ता होते या सहित सांसद द्वारा अनुमोदित 100 रु ऊर्ध विद्यालय स्मार्ट क्लास बालेश्वर 500 रु ऊर्ध विभिन्न अनुष्ठान को सोलार बंटन विभिन्न ग्रुप को 500 रु ऊर्ध सिलाई मशीन 5000 रु ऊर्ध गरीब को मसूरी प्रदान सहित छतु चाष धूप मशीन प्रभृति जंत्रपाति मान जगै दि जा प्रकाश कर राष्ट्रीय अभियान प्रमुख राजमणि यह कार्यक्रम सहित जोगदेशा जनकल्याण योजना कमिटर संपादक उर्मिला बेहरा और सांसद सहयोगी संजीव दास शिव शंकर महापात्र चुनाव है पता ही है मोदी जी को जानते हो ना आप लोग कौन है आप लोगों ने योजना का लाभ लिया है जनधन योजना 2 लाख का इंश्योरेंस है बीमा है लिया है ना आप लोगों ने तो इस बार यहाँ के नाना दूसरी बार चुने गए हैं पता है ना आप लोगों को इस बार वोट फॉर नाना आप लोगों को वोट देना है लोगों को भी बताना है क्या जी एक बार सभी लोग मिलकर बोलेंगे वोट फॉर नाना नाना के नाम लोग नाना जानते हैं ना आप लोग कौन है प्रताप षडंगी हम लोग ना अरे हाँ तो डाके सबको बोलना वोट फॉर वोट फॉर नीलगिरी विस्मय कुमार मल्लिक रिपोर्ट संघर्ष टीवी।